ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है आर्टिकल की। अब नया टॉपिक कर रहे हैं नाउंस। जब नाउंस के रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक एक्सरसाइज साथ के साथ चलेंगे, और जो पिछली एक्सरसाइज आपकी बची हुई है वो भी हम एक साथ देने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। मतलब करते हैं स्टार्ट। नाउंस की बात करें तो नाउंस हमारे पहले तो देखें नाउंस होते कितने हैं। जैसे आपको करते हैं कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर या पर्टिकुलर, एक होता है कलेक्टिव सीक्वेंस आप कुछ भी कर लें, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है मटेरियल। ये आपको पता भी होना चाहिए। कुछ बेसिक्स पेपर में किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और ये पूछेंगे किस टाइप का नाउन है। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट वगैरह में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। कॉमन का मतलब है कि हमें ये नहीं पता होता वो पार्टिकुलर नहीं होता। बॉय की बात करें, ठीक, सिटी की बात करें, कोचिंग की बात करें, किसी कोचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सब बातें कॉमन है, कोई पार्टिकुलर नहीं है। हमें ये नहीं पता कौन सा कोच, हमें नहीं पता कौन सा व्यक्ति, हमें ये नहीं पता कौन सी सिटी, हमें ये नहीं पता कौन सा लड़का। स्कूल की बात करें, स्कूल, हमें ये नहीं पता कौन सा स्कूल, हम पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम इनको पर्टिकुलर बना दें, सपोज बॉय है, नहीं बॉय नहीं लिखेंगे यहाँ, राम, सिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर सिटी नाम आएगा मेरठ। कोचिंग, आप कोचिंग का नाम डालेंगे यहाँ, जैसे सपोज अपोजी, ठीक, मैन, मैन में यहाँ पे नाम डालेंगे मोहन सोहन जो भी है। स्कूल, स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी स्कूल का नाम डालना चाहें। तो कहने का मतलब, अब कंट्री, यहाँ पर कंट्री किस में आएगा, कंट्री इसमें आएगा, कोई ये नहीं पता कौन सी, लेकिन हम कहें इंडिया तो ये आ जाएगा यहाँ पर। कहने का मतलब है जैसे ही आपको पर्टिकुलर, ठीक है, कॉलोनी कौन सा है बताइए, कॉलोनी कौन सा है, प्रॉपर है कॉमन है, कॉमन है, लेकिन कॉलोनी का नाम, जैसे ही कॉलोनी का नाम आ जाएगा वैसे ही वो आ जाएगी प्रॉपर में। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, ग्रुप, जैसे टीम कह दें आप, ठीक, क्लास कह दें, क्राउड कह दें, ठीक, ऐसी बहुत सारे वर्ड हैं जिससे आप समूह का पता लगता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके के होते हैं जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, पीस, डेथ, ये सब। अब इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बॉय है आप टच कर सकते हैं, इन सबको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, इन सबको आप फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस, कूलनेस, कामनेस, ये सब आप फील कर सकते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते। तो ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत जगह बहुत अच्छा रूल पर आता है, ये वाला भी कई बार आ चुका है। मेटीरियल, जितने फूड आइटम्स होते हैं सब मेटीरियल है, ठीक, जितने भी ये आयरन, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब राइस, फूड मेटीरियल जितने हैं सब इसमें आते हैं। तो ये सीमेंट वगैरह, प्लास्टिक, ये सब मेटीरियल में आते हैं। तो ये आपके 5 नाउन हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नाउन्स हमारे हैं कितने। ये तो हो गया बेसिक कि भाई नाउन्स हैं क्या। तो जो बेसिक पेपर आते हैं यूपी टेट, सी टेट, खासकर स्पेशली टीचिंग के लिए, उसमें किसी वर्ड के नीचे, सपोज टीम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना है कलेक्टिव नाउन। हैप्पीनेस के नीचे अंडरलाइन कर देंगे विच टाइप ऑफ नाउन, तो आपको बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको इस तरीके से नाउन का एक बेसिक फ्रेमिंग आपको मैंने कर दी है, जिससे आपको ये भी दिक्कत ना आए कि भाई नाउन को पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम रूल स्टार्ट करते हैं। रूल फर्स्ट, नाउन्स के अंदर रूल फर्स्ट, कुछ मैं वर्ड आपको बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स लिख भी रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ या लिख देते हैं। जैसे फर्नीचर वर्ड है, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, वर्ड, अल्फाबेट,
सीनरी, सीनरी वर्क, सीनरी हो गया, वर्क हो गया, फूड, एडवाइस, फूड है, एडवाइस है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रबल आया हुआ है एग्जाम में, ट्रबल, एविडेंस, एविडेंस, वेकेशन छुट्टी के लिए, ठीक, लगेज, बैगेज, लगेज और बैगेज दोनों का मतलब सामान से होता है, लगेज और बैगेज, क्लियर। इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, हेयर बाल के लिए आता है, हेयर, पोएट्री, ये सारे वर्ड इसलिए कि इसमें काफी बार आया हुआ है, मिसचीफ, मिसचीफ हो गया, फ्यूल जो ईंधन के लिए आता है, फ्यूल, ठीक, बिजनेस, बास, इतना ध्यान रखो, इसमें से भी चार पांच वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, क्लियर, एडवाइस, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, फर्नीचर आपको पता है, इंफॉर्मेशन आपको पता है, वर्ड, वर्ड का मतलब यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पर एक प्रकार से प्रॉमिस को लेकर चलते हैं, प्रॉमिस, हमारा वादा, कमिटमेंट, कई बार आया हुआ है। अल्फाबेट आपको पता ही है, सीनरी आपको पता है, वर्क आपको पता है, फूड पता है, एडवाइस सलाह, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ट्रबल मींस परेशानी, ये कौन सा नाउन है भाई, विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, फिर वही क्वेश्चन आता है, ट्रबल आप महसूस करते हैं तो इसके लिए हम डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्या होते हैं जिसको आप फील करते हैं केवल, उसके लिए आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टी आर ओ यू बी एल ई, एविडेंस प्रमाण, प्रूफ, प्रत्यक्ष, वेकेशन छुट्टी, लगेज बैगेज सामान, हेयर बाल के लिए आता है, पोएट्री कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम, जो बुक आती है पोएट्री की, तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मिसचीफ शरारत, फ्यूल ईंधन, बिजनेस। अब इसका रूल क्या है, ये जितने भी वर्ड हैं इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर, क्लियर, और ये वर्ड जैसे भी हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये जितने वर्ड हैं ओरिजिनल ऐसे ही रहेंगे, एडवाइजेज नहीं होगा, कोई वर्ड चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल वर्ड ये है ऐसे ही रहेंगे, और इनको सिंगुलर मानते हैं। दूसरी बार, इनसे पहले ए एन, ए एन और मैनी नहीं आता, एम ए एन वाई, ए आता है, अगर इनसे पहले ए लगा रखा है, एन लगा रखा है, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्लियर, इसका रूल क्लियर हो गया आपको। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका, एक एग्जांपल करते हैं, ही इज giving me an advice, advice, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं an, तो advice से पहले an आना चाहिए, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग इनसे पहले an many नहीं आता है, तो he is giving me advice, clear, next एक example, तो ये advice के संग है जिसमें वोवेल साउंड होने के बाद भी हम एन नहीं लगाते। एक और है, मान लीजिए हम कहें द फर्नीचर्स आर कॉस्टली, फर्नीचर्स आर कॉस्टली, तो इसके अंदर फर्नीचर्स आर कॉस्टली तो क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, हाँ आर की जगह इज भी चेंज होगा, फर्नीचर इज कॉस्टली, क्लियर, नेक्स्ट,
नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल करते हैं इसका, ये है आपका, ये तीन वर्ड है, ऑफ स्प्रिंग छोटे शिशु बच्चे के लिए आता है, डियर हिरन के लिए आता है, फिश डियर फिश और शीप, ये चार वर्ड है। ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब ऑटम भी होता है, स्प्रिंग ऑटम AUTUMN बसंत ऋतु जो होती है, लेकिन यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग है शिशु के लिए, छोटे बच्चों के लिए। डियर हिरन के लिए आता है, फिश शिप, इसका रोल क्या है कि ये चारों के चारों वर्ड दोनों में यूज हो सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन इन वर्ड में कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हम कहें शीप्स आर ग्रेजिंग, एस तो आएगा ही नहीं, इन वर्ड्स में ओरिजिनल वर्ड में चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में आ सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल। अगर आपको लग रहा है, आपको मीनिंग चेक करना हो, ग्रेजिंग है भेड़, अगर लग रहा है एक भेड़ चल रही है तो इज ग्रेजिंग भी सही है, भेड़ काफ़ी सारी हैं तो आर ग्रेजिंग, बिल्कुल। लेकिन इन वर्ड में ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको इतना रखते हैं।